जितना जल्द हो सके के पाठक को हटाया जाए, नहीं तो शिक्षा विभाग की और फजीहत होगी। नमस्कार, मैं राजकमल और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। शिक्षा विभाग की कमान जब से के पाठक के हाथ में गई है तब से विवाद बढ़ गया है। शिक्षा विभाग सुर्खियों में है, भले ही लोकसभा चुनाव सर पर है लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा के पाठक के ही हो रहे हैं। एक बार फिर से के पाठक चर्चे में आ गए हैं। इस बीच जो सुशील कुमार मोदी हैं उन्होंने बिहार सरकार से, नीतीश सरकार से के पाठक को हटाने की मांग कर दी है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया है। पोस्ट शेयर कर लिखे हैं कि जितना जल्द हो सके के पाठक को हटाया जाए, नहीं तो विभाग की फजीहत होगी। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग का कमान संभालने के बाद से के पाठक लगातार फरमान जारी कर रहे हैं। हर दिन 24 घंटे भी नहीं बीत रहे कि के पाठक का फरमान जारी हो जा रहा है। इस बीच अब के पाठक का एक और फरमान जारी हो गया था जिसमें वो जो हिंदू पर्व है उनकी छुट्टियों में कटौती कर दिए थे। कटौती के बाद से बिहार का सियासी तापमान जो है वो गर्म हो गया था। ये सियासी तापमान अभी थमा नहीं है। सुशील मोदी एक बार फिर से नीतीश सरकार से मांग कर दिए हैं कि जितना जल्द हो सके के पाठक को हटाया जाए। आपको बता दें कि शिक्षकों को लेकर बिहार में सिर्फ सियासी दल ही नहीं आमने सामने है बल्कि सरकारी विभाग में भी ठनी हुई है। एक बार फिर से जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी हैं वो के पाठक को लेकर बड़ा बयान दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को हटाने में जितनी देर करेगी उतनी फजीहत होगी। शिक्षा में सुधार के राजभवन के प्रयास में उतनी बाधाएं आती रहे। के पाठक जब से शिक्षा विभाग में है तब से विभाग किसी न किसी विवाद में है। सुशील मोदी ने कहा कि के पाठक पहले शिक्षा मंत्री से टकराए जिसके कारण मंत्री जी 22 दिन तक कार्यालय ही नहीं आए। फिर 4 साल के डिग्री कोर्स का विरोध कर शिक्षा विभाग राजभवन से भिड़ गया। विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रति कुलपति के वेतन रोक देना, 6 कुलपतियों की नियुक्ति के लिए राजभवन के विज्ञापन के 2 सप्ताह बाद शिक्षा विभाग से भी विज्ञापन जारी करना, रक्षाबंधन सहित कई हिंदू त्यौहारों की छुट्टी रद्द करना और कुलाधिपति सह राज्यपाल के अधिकार को चुनौती देना एक ACS के ऐसे आचरण हैं जिन पर मुख्यमंत्री को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब यदि सरकार की मंशा शिक्षा मंत्री और राजभवन को काम न करने देने की हो तब तो शिक्षा विभाग में किसी बदलाव की आशा करना व्यर्थ है। VC का वेतन रोकने से लेकर स्कूलों में छुट्टियां रद्द करने तक के पाठक के कई विवाद आदेश सरकार को आखिरकार वापस लेने पड़े। 2010 में इन्हें शिक्षा विभाग से हटाना पड़ा था। ये किसी विभाग में 8 से 10 माह से ज़्यादा टिक नहीं पाते हैं। जब के पाठक के आदेश बार बार वापस लेने पड़े तब उन्हें आत्मसम्मान की रक्षा के लिए स्वयं ही मुख्यमंत्री से किसी अन्य विभाग में तबादले का आग्रह कर लेना चाहिए। तो ये जो ट्वीट है ये राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का है। उन्होंने ट्विटर के जरिए नीतीश सरकार से मांग की है और के पाठक पर भी तंज कसा है कि जब आप जिस विभाग में रहते हैं उस विभाग में आपका मान सम्मान ही नहीं है, आपके आदेश को रद्द कर दिया जाता है, वापस ले लिया जाता है, तो आपको तो स्वयं उस विभाग को छोड़ देना चाहिए। हालांकि नीतीश सरकार से वो मांग किए हैं, क्या कुछ असर पड़ता है, के पाठक की ओर से इसकी क्या प्रतिक्रिया दी जाती है, बिहार सरकार की ओर से इसकी क्या प्रतिक्रिया दी जाती है, तो देखने वाली बात है। फिलहाल आप आगे की अपडेट के लिए बने रहें मीडिया दर्शन के साथ। अगर ये खबर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें। अगर ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।